मनीषा कोइराला फिल्मों में आने के साथ ही विवादों में घिरी रहीं। बात चाहे उनके फिल्मी करियर की रही हो या प्रेम प्रसंगों की, एक के बाद एक प्रेमी मनीषा के संपर्क में आते और जाते रहे। सौदागर फिल्म की शूटिंग के दौरान अभिनेता विवेक मुसरान के प्यार में पड़ने वाली मनीषा कोइराला के प्यार का अंत चंद महीनों में ही हो गया था। नाना पाटेकर के साथ तो उनके रिश्ते जग जाहिर रहे, पर नाना पाटेकर के किसी अन्य अभिनेत्री से संबंध और खराब व्यवहार के चलते यह रिश्ता भी नहीं चल सका। डीजे हुसैन तो मनीषा से शादी तक करना चाहते थे, पर मनीषा के इनकार के बाद उनसे भी ब्रेकअप हो गया। लंदन के सेसिल एंथनी भी मनीषा के साथ ज्यादा दिनों तक रिलेशन में नहीं रह सके, जबकि सेसिल ने ढेर सारा पैसा मनीषा और उनके भाई के फिल्म प्रोजेक्ट के लिए पानी की तरह बहाया था। आर्यन वैद्य के प्यार के लिए तो मनीषा ने सी ग्रेड की फिल्मों में भी काम किया, फिर भी इनका प्यार ज्यादा वक्त तक नहीं चल सका। प्रशांत चौधरी के साथ तो इनका रिश्ता काफी गहरा माना गया था, पर पारिवारिक कारणों से ये रिश्ता भी टूट गया। ऑस्ट्रेलियन राजदूत क्रिस्पिन कॉनरॉय हो या अजीज प्रेमजी के बेटे तारिक प्रेमजी, मॉडल राजीव मूलचंदानी हो या संगीतकार संदीप चौटा या फिर क्रिस्टोफर डोरस, सभी मनीषा के प्रेम पास में गिरफ्तार होते रहे। दर्जन भर प्रेम संबंधों में विदेशी प्रेमियों को ही ज्यादा चूना लगा। हालांकि मनीषा कोइराला आज एकाकी जीवन जीने को मजबूर है। सुखी वैवाहिक जीवन जीने की कल्पना लिए मनीषा ने 2010 में बिजनेसमैन सम्राट दहल से विवाह तो कर लिया, पर अफसोस यह शादी भी महज 2 साल में ही टूट गई। हालांकि तलाक के लिए मनीषा ने खुद को ही दोषी माना था। मनीषा का मानना था कि उनका विवाह करना जल्दबाजी में लिया गया गलत निर्णय था। शादी भी उनके लिए एक अनुभव मात्र रहा। शादीशुदा जीवन जीते हुए उन्होंने महसूस किया कि विवाह जैसे बंधन के लिए वे नहीं बनी है। मनीषा मानती है कि एक बिगड़े रिश्ते को ढोने से बेहतर है प्यार मिल रहे। कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो।